नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारत के प्रमुख नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय। तो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कितने भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं कि कितने भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। देखेंगे रविचंद्र, ट्रिक देख लेंगे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रविचंद्र है ना, तो रवि चंद्र। आगे देखेंगे हमारे सुबह आगे क्या है, आम ना बिके। ये हमारी क्या है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को क्या करना है, आपको याद रखना है। इसी ट्रिक के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कितने भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सबसे पहले यहां पर कौन सा है, रवि है, देखेंगे रवि से हो जाएगा रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 1913 में इनकी जो विधा थी साहित्य में थी, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। किस सन में, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहां रवि से हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद अगली जो ट्रिक है, अगला जो पॉइंट है वो हमारा चंद्र है। क्या लेंगे हम, चंद्र लेंगे। तो चंद्र से क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। और भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन इफेक्ट के लिए भौतिकी का नोबेल इनको मिला था, भौतिकी। अगर हम सन की बात करें तो किस सन में, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद हमारे से क्या हो जाएगा, हर गोविंद खुराना। ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, हर गोविंद खुराना को किसमें मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में। याद रखेंगे इनकी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था और इनको मिला था 1968 में मिला था। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद क्या है सुबह। भैया वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखेंगे, ठीक है, आप लोग सिर्फ क्या करते हैं, देख लेते हैं लेकिन क्या शेयर नहीं करते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें। आप लोगों के लिए लॉकडाउन में हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करते, कहना ना पड़े। जितने भी उन्नाव के हैं, जितने भी रायबरेली के निवासी हैं, जितने भी कानपुर के हैं, जितने भी लखनऊ के हैं, वो क्या करें, इसको तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। सुबह से क्या हो जाएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। याद रखेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अब इनको कहा मिला था, इनको भौतिकी का मिला था। याद रखेंगे भौतिकी, यहां पर देखिए सुबह लिखा हुआ है ना, तो यहां पर सुबह हो जाएगा। याद रखेंगे कब मिला था, तो 1979 में मिला था। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद क्या बचा, आम बचा। ठीक, इसके बाद क्या ले लेंगे तो आम से क्या हो जाएगा, अमर्त्य सेन। आपको पता होगा कि इनको अर्थशास्त्र का क्या दिया गया था, नोबेल दिया गया था, और पहले भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त किया है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र में प्राप्त किया, अर्थशास्त्र में, और इनको मिला था 1998 में मिला था। इतनी बात हो गई। इसके बाद देखिए ना है, तो ना से क्या ले लेंगे हम, ना से न्यायपाल। न्यायपाल को किस क्षेत्र में मिला था, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में,
और इनको सन 2001 में मिला था। इतनी बात क्लियर हो गई ना। इसके बाद अब आपके जो बचे हुए हैं वो बी है और के है, तो बी से क्या हो जाएगा, वेंकट रमन हो जाएगा, वेंकट रमन रामकृष्णन है, क्या हो जाएगा, बस एक छूट रहा तो हम एक रेज कर देंगे। यहां से वी से देख लेंगे तो वेंकट रमन रामकृष्णन, ये है ना, वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में मिला था और सन 2009 में रसायन, रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2009 में मिला था। इसके बाद लास्ट बचा है आपका, क्या बचा है, लास्ट के बचा है, ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं। अब यहां पर हम लिख देंगे लास्ट में के लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लास्ट में के लिख देंगे ये वाला, क्योंकि नीचे जगह नहीं बची तो ये लास्ट में आपका के हो जाएगा, ठीक, इसको याद रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, के से हो जाएगा कैलाश, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, और इनको मिला था वर्ष 2014 में, किस क्षेत्र में मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था, शांति के क्षेत्र में। तो मित्रों ये रहे नोबेल पुरस्कार भारतीय प्राप्त करने वाले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।